भाइयों और बहनों, 8 साल पहले आपने अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए आपने मुझे दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों, अनेकों नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारा गरीब, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, ये सभी अपना पूरा जीवन मूल जरूरतों को पूरा करने में बिता देते थे। ऐसे कालखंड थे। आजादी के इस लंबे कालखंड तक जिन्होंने सबसे अधिक सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिस क्षेत्र, जिन वर्गों की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए जरा मेहनत ज्यादा पड़ती है। पक्की सड़कों से जो सबसे अधिक वंचित थे, वो गांव थे हमारे आदिवासी क्षेत्र के। जिन गरीब परिवारों को 8 साल में पक्का आवास मिला, बिजली मिली, शौचालय मिला और गैस कनेक्शन मिले, उनमें से अधिकतर मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े परिवार के लोग थे। शुद्ध पीने के पानी से वंचित सबसे अधिक हमारे गांव थे, हमारे गरीब थे, हमारे आदिवासी भाई बहन थे। टीकाकरण का अभियान चलता था तो गांव, गरीब और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने में बरसों लग जाते थे। शहर में तो पहुंच जाता था, टीवी में, अखबारों में जय जयकार भी हो जाता था, लेकिन दूर सुदूर जंगल रह जाते थे। जरा मने गुजरात ना भाइयों, कोने तमारा बदाम वैक्सीन थई गयो, टीकाकरण थई गयो, बदाने हाथ ऊपर करो, बदाने मफत में थयो कि ना थयो, पैसा आपा पड़िया? दूर सुदूर जंगलों की चिंता ये हम सबके संस्कारों में है। साथियों, बैंकिंग सेवाओं का सबसे अधिक अभाव भी गांव और आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा था। बीते 8 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है।